स्वागत है आपका टाइगर श्रॉफ, तारा सुतारिया और नवाजुद्दीन सिद्दीकी द्वारा अभिनीत फिल्म हीरोपंती 2 के बॉक्स ऑफिस प्रेडिक्शन, बॉक्स ऑफिस कलेक्शन और एडवांस बुकिंग रिपोर्ट के पहले एपिसोड पे। दोस्तों, हम लोग अब जब भी फिल्म आएगी, जब तक थिएटर में चलेगी, हर रोज़ की बॉक्स ऑफिस कलेक्शन की रिपोर्ट आपके सामने एपिसोड वाइज बनाकर पेश करेंगे। तो चैनल के साथ जुड़ जाइए, सब्सक्राइब कर दीजिए और हर रोज नए एपिसोड की वेट कीजिए। हम लोग हर एक नया नया एपिसोड हर एक अपडेट के साथ आपके साथ शेयर करेंगे। पहले एपिसोड में आपका स्वागत है। इस एपिसोड में हम लोग बात करेंगे एडवांस बुकिंग की, जो टाइगर श्रॉफ ने कल हमें चौंका दिया। उसकी जो एडवांस बुकिंग हुई है, उससे मतलब कि पूरी इंडस्ट्री चौंक गई है। पूरी डिटेल में बात करूंगा। वीडियो थोड़ा लंबा हो जाए तो वीडियो देख लेना अंत तक, क्योंकि इन्फॉर्मेशन थोड़ी इन्फॉर्मेटिव होने वाली है आपके लिए, ज़रूरत वाली होने वाली है। तो एडवांस बुकिंग की बात करते हैं। फिर सबसे पहले तो टाइगर श्रॉफ की इस फिल्म की बात करें तो ये जो फिल्म है वो 2500 स्क्रीन पर भारत में रिलीज होने वाली है। 2500 स्क्रीन में सब कुछ आ जाता है, मल्टीप्लेक्स की और सिंगल स्क्रीन की भी। अब इसकी एडवांस बुकिंग की दोस्तों बात करें तो हीरोपंती 2 की एडवांस बुकिंग अभी तक 4 करोड़ 15 लाख रुपए की हो चुकी है। जी हाँ दोस्तों, अभी तक की रिपोर्ट के मुताबिक 4 करोड़ 15 लाख 2022 की बॉलीवुड की सबसे हाईएस्ट मूवी हो गई है। गंगूबाई की बात करें तो 4 करोड़ रुपए की एडवांस बुकिंग गंगूबाई को मिली थी और बच्चन पांडे को 3.50 लाख, यानी कि 3.5 करोड़ का मतलब एडवांस बुकिंग मिला था। तो 2022 की सबसे हाईएस्ट एडवांस बुकिंग हीरोपंती 2 ने कर दी है। ये एडवांस बुकिंग में सबसे महत्वपूर्ण भाग, सबसे महत्वपूर्ण भूमिका पीवीआर, आइनॉक्स और सिनेपोलिस की है। तीनों ने मिलकर 1 लाख टिकट सोल्ड कर दिए हैं, यानी कि 3.5 करोड़ के आसपास का कलेक्शन सिर्फ इन तीनों मल्टीप्लेक्स की ओर से आया है। बाकी का जो कलेक्शन है वो रीजनल सिनेमा की ओर से आया है। करीबन 1 से 1 करोड़ आसपास जो रीजनल सिनेमा ने कलेक्ट किया है। बड़े शहरों की बात की जाए तो मुंबई की बात करें तो मुंबई और दिल्ली में इसका रिस्पॉन्स अच्छा है। उसके बाद बड़ौदा आता है और इंदौर आता है। सूरत की दोस्तों बात करूँ तो सूरत में टोटल हीरोपंती 2 को 83 शो मिले हैं, उनमें से 20 शो अभी फास्ट फिलिंग में है। उसके बाद मुंबई की बात करें तो 350 शो मुंबई में मिले हैं 29 अप्रैल को, उसमें से 85 शो फास्ट फिलिंग है और 9 to 10 शो 30 अप्रैल के दिन फास्ट फिलिंग में है। दिल्ली की बात करें तो वहाँ पर भी 350 शो मिले हैं, लेकिन 7 से 8 शो ही अभी फास्ट फिलिंग में दिखा रहे हैं 29 अप्रैल के दिन। अहमदाबाद में भी शो अच्छे मिले हैं, लेकिन वहाँ पर फास्ट फिलिंग अभी नहीं है और कोई शो भी सोल्ड आउट नहीं हुआ है। ये जो फास्ट फिलिंग शो की मैंने आपको बात की वो आईनॉक्स के सबसे ज़्यादा है। मैंने जिस तरह से सर्वे किया बुक माई शो पर तो आईनॉक्स वाले शो फास्ट फिलिंग में ज़्यादा है। हीरोपंती 2 के पहले वीकेंड की अगर प्रिडिक्शन लगाए तो 25 से 27 करोड़ का कलेक्शन करने का प्रिडिक्शन आया है। बहुत अच्छी न्यूज़ है बॉलीवुड के लिए दोस्तों, क्योंकि कोरोना के बाद कोई ऐसी फिल्म नहीं थी जो इस तरह से मतलब एडवांस बुकिंग हो और इतने शो फास्ट फिलिंग में जाए। एडवांस बुकिंग होती थी, लेकिन हीरोपंती 2 की जिस तरह से हुई है, इस तरह की 2022 की बॉलीवुड की किसी फिल्म में नहीं हुई है। और यह कमाल शायद मुझे लगता है कि टेलर 2 का है, क्योंकि हीरोपंती 2 जो फिल्म थी उसका पहला टेलर आया था वो शायद लगभग किसी को अच्छा नहीं लगा था, लेकिन उसका जो दूसरा टेलर आया उस टेलर ने सबको चौंका दिया। लोगों को भी अच्छा लगा, साथ ही साथ क्रिटिक्स को भी यह टेलर काफ़ी अच्छा लगा। तो यह कमाल हो सकता है दूसरे टेलर का, जो टेलर नंबर 2 आया हीरोपंती 2 का, वो कमाल हो सकता है। अब 29 अप्रैल का दिन जो है वो वैसे भी बहुत बड़ा होने वाला है, क्योंकि KGF 2 तो ऑलरेडी चल रही है। सामने आ रहे हैं अजय देवगन और अमिताभ बच्चन की फिल्म रनवे 34 और टाइगर श्रॉफ नवाजुद्दीन सिद्दीकी की फिल्म हीरोपंती 2। तीनों बड़ी फिल्में आपस में टकराने वाली है। कौन जीतता है और कौन हारता है 29 अप्रैल के दिन पता चल जाएगा। हीरोपंती 2 की अगर दोस्तों पहले दिन की कलेक्शन की अगर हम बात करें, अगर 18 करोड़ से ऊपर ये फिल्म जाती है पहले दिन के कलेक्शन में, तो SRK की जो रावण फिल्म है उसको बीट कर देगी, यानी कि उससे ऊपर चले जाएगी। रावण फिल्म ने पहले दिन 18 करोड़ का बिजनेस किया था। 20 करोड़ के ऊपर जाती है तो कई फिल्मों को ये मात दे देगी, जैसे कि रावण
शाहरुख खान की जीरो, रणवीर सिंह की गली बॉय, रणवीर कपूर की ये जवानी है दीवानी, सत्यमेव जयते और आरआरआर तक को भी ये पीछे छोड़ देगी अगर 20 करोड़ से ज़्यादा का बिजनेस पहले दिन किया तो। अब आपका ओपिनियन क्या है, आप ये मूवी देखने जाने वाले हो या रनवे 34 देखने जाने वाले हो, मुझे कमेंट सेक्शन में आपका ओपिनियन ज़रूर बताना। और आपको क्या लगता है कितना कलेक्शन करेगी टाइगर श्रॉफ की हीरोपंती 2 पहले दिन पहले वीकेंड, मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना। बाकी चैनल को सब्सक्राइब कर देना और वीडियो को लाइक कर देना। धन्यवाद।